अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, एक और बहुत खूबसूरत और अच्छी कंडीशन की कार लेकर आए हैं, ओल्ड मॉडल। जी हाँ, सुजुकी खैबर 1997 मॉडल कार आपके लिए लेकर आए हैं। अलायरम इंस्टॉल हैं, बाहर से शावर है, अंदर से जेन्युइन बताई गई है और इंतहाई अच्छी कंडीशन में मुनासिब कीमत में ये कार आपके लिए लेकर आए हैं। इसका रिव्यू कराएंगे, बोनट आप देख रहे हैं, इसके अलावा इंजन रूम भी आपको दिखाते हैं। इंजन रूम की अगर आप कंडीशन देखें तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप गौर करें तो इंजन रूम की जो कंडीशन है बहुत बेहतर नज़र आ रही है और बताया जा रहा है कि जो इंजन है, इंजन की जो हालत है बहुत अच्छी है। यानी कि इंजन यूं समझ लें कि 12 आने से 16 आने के दरमियान ही है। तो ये हमने इंजन रूम आपको दिखा दिया है, आपने इंजन रूम देख लिया है। दरवाज़ों की तरफ जाएंगे और दरवाजे भी दिखाएंगे क्योंकि अंदर से जेन्युइन बताई गई है, तो अंदर से दिखाते हैं। जी हाँ, सीलें, दरवाज़ों की सीलें मौजूद हैं। सीटों की बात करें तो सीटें भी बिल्कुल जेन्युइन हालत में नज़र आ रही हैं। जेन्युइन इनके कवर नज़र आ रहे हैं, हो सकता है बाद में ये जो है लगवाए गए हों। बहरहाल जेन्युइन की तरह अंदर से सीटें नज़र आ रही हैं। डैशबोर्ड आपने देखा, छत की बात करें तो छत की कंडीशन बहुत बेहतर है। छत की कंडीशन आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतर है छत की कंडीशन। दूसरे दरवाजे की तरफ जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं, इसकी सीलें भी नज़र आ रही हैं, मौजूद हैं और दरवाजे के अंदर की कंडीशन भी अच्छी है। इसके अलावा अगर बात करें इसके सीटों की तो बैक सीटें भी बहुत ही मुनासिब हैं। स्पीकर लगे हुए हैं और इसके अलावा बाकी कंडीशन आप देख रहे हैं। ओवरऑल हम आपको रिव्यू कराएंगे। ये है डिग्गी और डिग्गी की भी सीलें नज़र आ रही है। अगर गौर करें तो डिग्गी की भी अंदर से सीलें नज़र आ रही हैं, तो यूँ समझ लें कि किसी हद तक अंदर से जेन्युइन है, वाकई जेन्युइन है। बाहर से जेन्युइन नहीं है, स्टेपनी मौजूद है। डिग्गी की अंदरूनी सूरत हाल आप देख सकते हैं, औजार भी मौजूद हैं, टूल मौजूद हैं। इसके अलावा डिग्गी की कंडीशन बेहतर है, कोई जंग आलूद नहीं है, बैक साइड खूबसूरत है। और चलते हैं इस दरवाज़े की तरफ, तो हाँ, इसकी भी कहीं कहीं सीलें मौजूद हैं। एक सील अगर छोटा सा टुकड़ा भी नज़र आ रहा है आ जाए तो यूँ समझ लें कि ये दरवाज़ा नहीं खुला। सीटें इस तरफ से भी देख लें, ये दरवाज़ा देख लें, इसकी भी कहीं कहीं सीलें नज़र आ रही हैं। कंडीशन बहुत ही बेहतर है, मुनासिब कंडीशन है। इसके अलावा यहाँ से भी आप सीटों की सूरत हाल देख सकते हैं, डैशबोर्ड की कंडीशन, अंदर की सूरत हाल देख सकते हैं। तो ये हमने रिव्यू कराया है इस कार का। बारी आ जाती है टायरों की। अलायरम इंस्टॉल है, बहुत खूबसूरत अलायरम है। टायरों की कंडीशन कदरे बेहतर नज़र आ रही है और काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। 80% से 70% से 80% या 90% तक टायरों की कंडीशन है, टायरों की सूरत हाल है। तो अब चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ, यानी कि इसकी कीमत क्या है। टायर आपने देख लिए हैं, टायर बिल्कुल A1 है। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो इसकी कीमत जो डिमांड की जा रही है मालकान की जानिब से, फाइनल डिमांड 3,75,000 रुपये फाइनल डिमांड की जा रही है। लाहौर का नंबर है, कागजात क्लियर बताए जा रहे हैं। अगर आपने लेनी है, आपको पसंद आई है, मजीद देखभाल करना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इस नंबर पर आप तक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें और घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि किसी को जरूरत हो तो उसका फायदा हो जाए। कमेंट्स में बताइएगा कि यह गाड़ी आपको कैसी लगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।